गणपति बापा मोरिया। हर साल की तरह इस साल भी इको फ्रेंडली गणपति दिख रहा है घर में। हाँ। और तो बनाए हुए भी गणपति थोड़ा बताइए। हमारे यहाँ तो गाय के गोबर की गणपति आई है स्पेशल, तो बाकी जो बड़ी वाली वो भी इको फ्रेंडली, पिछले साल भी इको फ्रेंडली आती थी, तो बहुत अच्छी बात है ना। हम लोग अब पोल्यूशन दूर कर रहे हैं देश का, और ये भी एक विघ्न निकल गया ना। गणेश के बारे में ऐसा है कि वो विनाशक हैं, तो उनके बहुत सारे मीनिंग है गणेश जी के, जैसे कान बड़े क्यों हैं, पेट बड़ा क्यों है, सूंड क्या है। तो बेसिकली सूंड है परफेक्शन। जैसे हम नया घर बनाते हैं तो गणेश जी के पहले पूजा करते हैं, क्योंकि परफेक्शन इंस्ट्रूमेंट है एक ये सूंड, जो वो जो एक पेन से लेके एक लकड़ी के पूरे लॉक तक वो उठा सकता है, खा सकता है, नहा सकता है, उसी से पानी पीता है। तो मतलब ऐसा कोई दुनिया में इंस्ट्रूमेंट कोई भी साइंस बना नहीं सकी, तो वो हाइट ऑफ परफेक्शन है। उसी तरह कान भी हैं, पेट में जो कान से सुना और पेट में संभाल लिया, इधर उधर बोलना नहीं है। और सबसे अच्छा मुझे लगता है चूहा, जिसके सामने खाने पीने को इतना पड़ा है लेकिन वो खा नहीं रहा है, ऐसे देख रहा है परमिशन के लिए। और चूहा है सिंबल ऑफ योर इंद्रिया। इंद्रिया किसको बोलते हैं? अपनी आँख है, कान है, ये है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, कितनी सारी चीज़ें हैं, ग्रीड है, लस्ट है, प्लीज़ मेरे मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, सारा टाइम इच्छाएँ जो हैं। इतना तो जीना भी नहीं जितना तू मर रहा है। तो वो उन चीज़ों को, वो जो चूहे को उन्होंने कंट्रोल में रखा है गणेश जी ने, यानी कि अपनी इंद्रियों को, इंद्रियाँ उनके वश में हैं कि मेरी आँख भी ऐसे क्यों देखे कुछ जा रहा है, तो मेरी परमिशन लेके फिर देखे। तो उस हाइट पे मैं पहुँचना चाहता हूँ कि मेरी सारी बॉडी की जितनी इंद्रियाँ हैं वो मेरे वश में हो जाएँ। विवन के बारे में जानना चाहूँगा, उनका हेयर स्टाइल भी काफ़ी मैच कर रहा है विवेक सर से, क्या कहना चाहेंगे? बेटा उसी का है, विवान तो बहुत ही बोला अच्छा लड़का है, हमारे घर का बुद्धा है। हाँ, मुझे उम्मीद है आप लोग सब अपना अपना विघ्न क्रॉस कर लेंगे। जैसे स्कूल में हम लोग हर्डल्स में भागते थे, रन करते थे, सामने हर्डल के डंडे ज़रूर होते थे लेकिन वो डंडा देख के रुकते नहीं थे, हम डंडे को जंप करके फिर दौड़ना है, फिर जंप करके दौड़ना है, एक आध गिर भी गया तो गिर गया लेकिन दौड़ते जाने अपनी गोल की तरफ, रुकना नहीं। ऑल द बेस्ट।